तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं ड्राइव करने वाला हूँ टाटा 13.5 मीटर चेसिस पर बनाई गई है वीरा V8 बस को। तो चलिए इस बस को पहले मैं इसके ड्राइवर सीट पर बैठता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बस में शुरू करने वाला हूँ। इसकी प्रोसीजर एक देखिए, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सब जो कांटे हैं वो रिटर्न आएंगे जीरो पे 140 जाके, तभी आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, ऐसा रिकमेंडेड है। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए दी है। फ्रंट इंजन है वोल्वो जैसा, इसका रियर इंजन है नहीं, बस मत दूर। तो गियर वगैरह जरा सा हार्ड है, यहाँ पे इसका वो लोग यहाँ पे होता है, इसका यहाँ पे है एयर ब्रेक्स वगैरह है। तो चलने में गाड़ी वैसे काफी स्मूथ है, एयर ब्रेक्स है, थोड़े से अर्जेंट होते हैं। इसका फीलिंग भी सही है, थोड़ी सी हाइट है, मिरर्स पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सेकंड पे भी आराम से ये गाड़ियां भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे स्मूथ है, काफी स्मूथ है, BS6 है, ब्रांड न्यू बस है, तो चलाने में वैसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही मुझे। पीछे मिरर्स में काफी धूल है, जरा ग्राउंड का इलाका है तो थोड़ा धीरे धीरे चलाना है। काफी लोड आ रही है, आप देखिए RPM 2500 तक चला गया था ऑलमोस्ट। और सिर्फ क्लच छोड़ने पर ही ये गाड़ी मूव करने लगती है, ब्रेक का थोड़ा सा जजमेंट आपको आने में टाइम लगेगा, वो तो आपको अगर एक बार गाड़ी पे बैठ जाओ तो आ जाएगा। पावर स्टीयरिंग तो वगैरह मतलब सेम वोल्वो की तरह है, मैंने वोल्वो B7R वगैरह चलाई है तो उसके जैसा ही फील आ रहा है स्टीयरिंग का। तो मतलब पहले जो था वो टाटा की जो गाड़ियां, फिर हेवी स्टीयरिंग वगैरह, ऐसे वैसी कोई बात नहीं है।
तो दोस्तों जब भी आप ये गाड़ी पहले चालू करें तो हैंड ब्रेक इसका यहाँ पे होता है, नीचे जो है वो ऑफ होता है, गाड़ी स्टार्ट करते वक्त ऊपर लेना पड़ता है। अभी मैंने गाड़ी बंद कर दी, देखिए कहीं पर भी मेरा पैर नहीं है, ये नीचे की ओर है, इसलिए हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, इसीलिए गाड़ी ये स्टेडी पोजिशन पे है। और ये गाड़ी चलाने का मेरा जो एक्सपीरियंस था टाटा 13.5 मीटर का, वो काफ़ी सही रहा। बहुत रिस्की है, खुला मैदान था, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मैंने ट्राई किया एक्चुअली आई बिन, तो काफ़ी सही रहा। पावर स्टेरिंग वगैरह एकदम वोल्वो जैसा है, ब्रेक्स वगैरह अर्जेंट है, एयर ब्रेक्स है, जजमेंट इसका काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू फोर व्हीलर्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो मेरे चैनल को भाई साहब एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।